स्पोकन इंग्लिश कोर्स दूसरा दिन। पर आज शुरू करने से पहले गाइज, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शावरिंग मी विद अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। आप लोगों ने इतना प्यार दिया पहली वीडियो को, मेरे को बहुत अच्छा लगा। माई एफर्ट्स आर पेड ऑफ। तारीफ तो मैं आपकी कर रही हूँ, पर उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा है अभी तक जितना मैंने बोला है उसमें। मैंने दो एक्सप्रेशंस यूज़ करे हैं, थैंक यू फॉर शावरिंग मी विद अ लॉट ऑफ लव, इसका मतलब कि मेरे ऊपर इतना सारा प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई बर्थडे विश करता है, उनको रिप्लाई में लिख दो। आपको कोई सक्सेस मिली है, लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनको रिप्लाई में लिख दो। यही है तरीका इंग्लिश सीखने का, जिसका जो सेंटेंस अच्छा लगे चेप लो, कॉपी पेस्ट। पेस्ट कहाँ करना है? एवर नोट एक फ्री एप्लीकेशन है, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करो एवर नोट के नाम से। इसमें आप अपने सारे सेंटेंसेस जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनको पेस्ट करते रहो। धीरे धीरे ना 3 महीने में आपके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सेंटेंसेस का एक बहुत प्यारा कलेक्शन होगा, और फिर आप खुद इंग्लिश पढ़ा सकते हो। आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, पता है, बोलना तो छोड़ दो, दिस इज़ व्हाट आई डिड। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक टेक्निक पढ़ने वाले हैं, मिक्स एंड मैच। मैंने आपको डे वन की वीडियो में 5 टेक्निक सिखाई थी। अगर आपको उन 5 टेक्निक्स के नाम याद हैं तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताओ कि वो कौन सी टेक्निक्स थी। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको वो टेक्निक्स याद हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ, पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो पर आना। ये रहा लिंक। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट देने वाली हूँ इंग्लिश बोलने का, बहुत बड़ा सीक्रेट। अगर आपने ये सीक्रेट ध्यान से समझ लिया ना, उसके बाद कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक ऐसा सीक्रेट है जिसकी हेल्प से मैं किसी को भी इंग्लिश बोलना सिखा सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। लोग कहते हैं 3 महीने में इंग्लिश नहीं आती, झूठ बोलते हैं वो लोग जो वीडियो में बोलते हैं 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे। मैं कह रही हूँ 5 दिन में सिखा दूँगी। तो ये टेक्निक सुनने के लिए आर यू रेडी, आर यू गाइज रेडी? टेक्निक का नाम मैं नहीं सोच पाई, पर इसकी फिलॉसफी बताती हूँ। इंग्लिश सीखने की जर्नी आपकी सड़े और गले ना, ये लाइवली रहे, इंटरेस्टिंग रहे, एक्साइटिंग रहे, उसका एक ही रूल है। कभी अपनी बेइज्जती करा लो गलत सलत बोलकर, कभी दूसरे को इम्प्रेस कर दो गलत सलत बोलकर, क्योंकि इनिशियली आप सही बोलेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, मेरे को आपसे इतनी सारी हाई होप्स नहीं है कि आप आज बोलना शुरू करो और आज गलत बोलो, आज सही बोलो। पर मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं आपको लगता है वो सब सही बोलते हैं। एक लेवल पर आने के बाद आई रियलाइज कि यार जिन लोगों से मैं डरती थी ना कि इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, दे ऑल स्पीक रॉन्ग, मीन्स दे ऑल मेक ग्रामेटिकल एरर्स। आई डू मीन इट रियल लाइफ में। तो सीक्रेट क्या था? कभी अपनी बेइज्जती करा लो गलत सलत बोलकर, कभी किसी बंदे को इम्प्रेस कर दो अपनी इंग्लिश बोलकर, कभी किसी के होश उड़ा दो, कभी अपने होश उड़वा लो कि यार क्या इंग्लिश बोल के चला गया ये बंदा, मुझे तो समझ ही नहीं आया इसने शुरू कहाँ से किया, एंड कहाँ कर दिया। यही सीक्रेट है। तो आज की वीडियो में आई डोंट वॉन्ट टू बॉम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, आज मोटिवेशन नहीं। आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखें जो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस वो हैं जो आप आज ही सीखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और आज से ही जो भी कॉल आप आंसर करोगे एक ना एक सेंटेंस आपको उस कॉल में बोलना है। दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सब कुछ नहीं जानना है इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए, थोड़ा सा पढ़ो एक्सपेरिमेंट शुरू करो, थोड़ा सा पढ़ो एक्सपेरिमेंट शुरू करो। जिस दिन पहला सेंटेंस बोलोगे ना बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में, उस दिन खुद से मोटिवेशन आएगा, यार मुझे और बोलना है, मुझे और सीखना है। तो इस मिक्स एंड मैच वाली टेक्निक को आप मेरी इसके बाद वाले सेक्शन में देखेंगे। एक्चुअली वो वीडियो हमारे पेड कोर्स में थी पहले, पर आप लोग इतने प्यार से मैसेजेस करते हो, मैम इंग्लिश ओशन इंग्लिश अकेडमी के साथ ही सीखनी है पर फीस आपकी बहुत हाई है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पेड वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करेंगे यूट्यूब पर आपके लिए, ताकि आपकी लर्निंग में कोई हिंड्रेंस ना आए।
तो आप उस वीडियो को देखें, इन्जॉय करें और फीडबैक दें। उस वीडियो से पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना लेवल, लैंग्वेज का लेवल, और मे बी अपनी सिटी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हम एक बड़ी कम्युनिटी शायद बना पाएँ। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर दें, या फेसबुक की आईडी शेयर कर दें, या अपना ईमेल एड्रेस दे दें। सो दिस इज़ हाउ यू नो द अनदर लर्नर्स विल बी एबल टू रीच यू आउट टू हैव स्पीकिंग प्रैक्टिस विद यू। क्योंकि इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आप उन लोगों को कॉल कर पाओगे और उनके साथ, क्योंकि उन्होंने भी ये वीडियो देखी है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, वो भी उसी यू नो लेवल से, उसी मोटिवेशन से इंग्लिश सीखना चाहते हैं जिस मोटिवेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी पूरी डिटेल्स छोड़ दें, कुछ मैसेज एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, पर किसी को भी कॉल करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में शायद आप अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, और ये सारे के सारे 30 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रामर की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये एक्सप्रेशंस याद करने हैं। ग्रामर हम पढ़ना जल्दी शुरू करेंगे आज। आप इस वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू योर ई क्लासरूम। टुडे आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। Guys, can you expect a baby to run faster before even he learns how to walk? Well, that's impossible, right? और आप जानते हैं कि मैं भी आपसे ये expect बिल्कुल नहीं करती कि आप सारी चीज़ें English में बोलें उससे पहले कि आप कुछ sentences पहले English में बोल पाएँ। And you know, I call it mix and match technique. This technique teaches you, or it tells you, it motivates you to have 20% English and 80% Hindi when you are holding conversations with others. मतलब अगर आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं तो उसमें 20% English को merge करना शुरू करो, and slowly and gradually you can broaden the horizon. धीरे धीरे आप horizon को increase कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 20 से 30 and 30 से 40 and 40 से 100%. पर ऐसा कभी नहीं होगा कि all of sudden you just start speaking everything in English. तो इसके लिए हमें क्या करना है, मिक्स एंड मैच टेक्निक को फॉलो। मतलब 80% लेट इट बी हिंदी और योर मदर टंग, एंड इंट्रोड्यूस 20% इंग्लिश विद दैट। सो टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड वे टू गेट स्टार्टेड। आप बंदे को नहीं देख रहे हो एंड द अनदर पर्सन कैन नॉट सी यू, ही कैन नॉट सी योर बॉडी लैंग्वेज, ही कैन नॉट सी यू गेटिंग नर्वस, ही कैन जस्ट लिसन टू यू। और आप जब उससे फ़ोन पर बात करेंगे तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी इंग्लिश एक्सप्रेशंस आप आज पढ़ने वाले हैं उनको आप इंग्लिश में यूज़ करें। ऑल राइट, विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस, क्या मैं मिस्टर चौहान से बात कर सकता हूँ? हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर चौहान? मे आई स्पीक टू मिस्टर चौहान? या फिर आप कहें कुड आई स्पीक टू मिस्टर चौहान, कुड आई स्पीक टू मिस्टर चौहान। और अगर आपको पता है कि आपने एग्जैक्ट उसी बंदे का नंबर डायल किया है जिससे आपको बात करनी है तो आप कहें हाय, इज दिस मिस्टर चौहान आई एम टॉकिंग टू? क्या ये मिस्टर चौहान है जिनसे मेरी बात हो रही है? इज दिस मिस्टर चौहान आई एम टॉकिंग टू? और सेकेंड पर्सन आपको रिप्लाई करेगा येस दिस इज ही। दिस इज ही मतलब हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। येस दिस इज ही और येस दिस इज शी, प्लीज टेल मी हाउ कुड आई बी ऑफ हेल्प। बताएं मुझे कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज टेल मी हाउ कुड आई बी ऑफ हेल्प। सर द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू अपडेट यू। द रीज़न आई एम कॉलिंग मतलब मैं इस रीज़न से कॉल कर रहा हूँ। द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू इंक्वायर अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं इस रीज़न से कॉल कर रहा हूँ कि मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के बारे में इंक्वायर कर पाऊँ। The reason I'm calling is to update you. मैं आपको अपडेट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। The reason I'm calling is to inform you. मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। And if you want to speak it in a little casual tone, then you could say, sir, just a quick call to update you. बस एक क्विक कॉल है जो आपको अपडेट करना चाहती है। Just a quick call to update you. Just a quick call to inform you. Just a quick call to update you that today's meeting has been called off. Call off एक phrasal verb है जिसका मीनिंग होता है cancel.
जस्ट अ क्विक कॉल टू इन्फॉर्म यू, एक बस क्विक कॉल है आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, टुडेज़ मीटिंग हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ। मुझे आपका नंबर श्रेय से मिला था, आई वॉज गिवन योर नंबर बाय श्रेय, आई वॉज गिवन योर नंबर बाय श्रेय। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्ट हुआ है, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप ग्रामर में पैसिव वॉइस की वीडियो देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। आई वॉज गिवन योर नंबर बाय श्रेय, और आई गॉट योर नंबर फ्रॉम श्रेय। गेट मतलब होता है मिलना, गेट के 5 यूज हैं जिसमें से पहला यूज है मिलना। मुझे आपका नंबर श्रेय से मिला था, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम श्रेय। एंड दिस वन इज माई फेवरेट, Whenever you get a missed call from an unknown number, तो आप उसको call back करते हैं just to know कि किसने और क्यों call किया था। तो if you want to tell the person at the very beginning कि मैं call नहीं कर रहा हूँ, I am returning your call, मैं आपकी call को ही वापस कर रहा हूँ, तो आप कहें या hi, I am returning your call, this is Vidushi and I am returning your call। और अगर आप कंपनी के बिहाफ पर कॉल कर रहे हैं, अगर आपका कोई अपना बिजनेस है और आप उस बिज़नेस के बिहाफ पर आपको लगता है कि क्लाइंट का कॉल आया था, तब आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, लाइक या हाय, आई एम रिटर्निंग योर कॉल फ्रॉम ओशन इंग्लिश एकेडमी। सो व्हेन यू रिसीव अ कॉल एंड यू आर नॉट श्योर दैट हु इज ऑन द अदर साइड, यू कैन आस्क द पर्सन, मेरी बात किस से हो रही है, या हाय, हुम एम आई टॉकिंग टू प्लीज, हुम एम आई टॉकिंग टू प्लीज, Whom am I talking to, please? If the call demands someone else to be online and that person is not available right now, you can tell it in two ways. Agar aap formal manner mein kehna chahte hain, like aapki business call hai, to aap kahein, I'm sorry sir, he is not available right now. Matlab wo abhi available nahi hai jisse aap baat karna chahte hain. I'm sorry sir, Mr. Chauhan is not available right now. Would you like to leave a message for him? Kya aap unke liye koi message chhodna chahenge? Would like, grammar ki would wali video mein milega iska use. So, I'm sorry sir, Mr. Chauhan is not available right now. Would you like to leave a message for him? Kya aap unke liye koi message chhodna chahenge? और अगर आपके घर पर आपके ब्रदर या सिस्टर के लिए कॉल आई है, तो सिंपल कहें आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अराउंड हियर, मतलब वो अभी यहाँ आसपास नहीं है, आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अराउंड हियर। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हेम, वुड यू लाइक टू लीव, और वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज, एक्सप्रेशन ड्रॉप अ मैसेज मतलब मैसेज छोड़ना, वुड यू लाइक टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर हेम, वो कब तक वापस आ जाएंगे, वेन विल ही बी बैक, वेन विल ही Be back, be मतलब होना, मतलब वो कब तक वापस होंगे, When will he be back? क्या आप प्लीज़ उन्हें कह देंगे कि वो मेरे को कॉल बैक करें, Would you please ask him to return my call? Would you please ask him to return my call? Or would you please ask him to call me back? Speak it after me, Would you please ask him to call me back? Yes, sure, मैं क्या कहूँ कि किसका कॉल आया था, Yeah, sure, who should I say called? Who should I say called? So if you are not interested to talk to the person and you want to tell him कि आप उनकी call को बाद में call back करेंगे, तो आप उन्हें कह सकते हैं I'm sorry, I am in the middle of something. Could I call you back in some time? In the middle of something मतलब मैं किसी काम के बीच में फंसा हुआ हूँ, I'm sorry, या फिर I am afraid. I am afraid एक business English expression है जिसका मतलब होता है please accept my apologies, मेरी माफ़ी को स्वीकार करें, accept my apologies. Even आप ऐसे भी बोल सकते हैं please accept my apologies, but use it in written English, it sounds more decent there. Spoken English में आप कहें I am afraid, पर अपने friends के साथ इसे use नहीं करना है, ये formal English है, informal नहीं. Informal English में आप कहें I am sorry, और formal में कहें I am afraid, I am stuck in the middle of something. Could I call you back in some time? Could I call you back in some time? जब तक आप इस सेंटेंस को इसी परफेक्शन के साथ ना बोल पाएं जैसे मैं बोल रही हूँ, keep practicing it. Could I call you back in some time? Actually, I'm stuck in the middle of something. Could I call you back in some time? I'm sorry, पर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है. I'm sorry, but your voice is breaking up. Let me call you back in some time. Let me call you back in some time. Let के लिए भी आपके पास English grammar course में एक video है. Do watch that. I'm sorry, your voice is breaking up. Could I call you back in some time?
could I call you back in some time? क्या मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? Am I audible now? Am I audible? Audio से बनाया ये word. Audio plus able. Audible. क्या मेरी आवाज अब सुनने लायक है? Am I audible now? Hi. Yeah. Am I audible now? We might get cut off since my battery is about to die. You are informing the other person that the call may get disconnected any moment. Call किसी भी time कट सकती है because your battery is about to die. आपकी battery खत्म होने वाली है. So when you see that just 1 or 2% battery is left in your phone, you can tell the person in advance that, yeah, I'm sorry, we may get cut off any moment because my battery is about to die. Or you can say, I'm sorry, but I might lose you at any moment since my battery is about to die. I might lose you, मतलब किसी भी time call disconnect हो सकता है. I might lose you at any moment since my battery is about to die. Another excuse which you could use if you are not in a right frame of your mind to answer the call. Right frame of mind होता है कि आप सही mood में नहीं है, आपका इस time mind सही frame में नहीं है एक business call या एक important call लेने के लिए. तब आप इस excuse को use कर सकते हैं. You could just type to the person, I'm sorry, I'm running on low battery. I'm running on low battery. Could I take a message and I will return your call once I charge my phone. Let's speak out the complete sentence together. I'm sorry, I'm running on low battery. Could you please drop me a text and I'll return your call once I charge my phone. आप इस सेंटेंस को आज 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद किसी के साथ तो बोल दो. It could be your friend, your cousin, your colleague or anyone. And you will feel so happy, you will have that priceless feeling that you spoke such a long sentence in English. So let's practice it together. Yeah, hi Jack, actually I'm running on low battery. Could you please drop me a text and I'll return your call once I charge my phone. Once I charge my phone. Let me grab a charger and I'll call you right back. Let me grab a charger and I'll call you right back. Grab मतलब होता है पकड़ना, कि मैं एक मिनट में फटाफट से चार्जर लेकर आता हूँ और फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. सो यू कैन यूज़ इट इन योर टेक्स्ट मैसेज दैट या हाय जस्ट लेट मी ग्रैब माय चार्जर एंड आई विल कॉल यू बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल और आई कॉल यू राइट बैक. राइट बैक मतलब मैं ठीक अभी आपको कॉल बैक करता हूँ. आई कॉल यू राइट बैक और आई विल कॉल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल मतलब थोड़ा सा फ़ोन चार्ज होने दो एंड देन आई विल कॉल यू अप. It's quite noisy here. मतलब यहाँ बहुत शोर हो रहा है. Let me call you back. मैं आपको बस 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ. It is quite noisy here. Let me call you back in 2 minutes. Please hang on. I have another call coming in. Hang on means रुकना. Please 1 मिनट रुको. Please hang on. मेरे पास दूसरी कॉल आ रही है. I have another call coming in. Make sure you don't use it with your bosses or with your team managers. They'll be offended. Okay? या आप अपने friends या family members के साथ use करोगे. But do use it. Call नहीं आ रही तब भी बोलो. या could you please hang on? I have another call coming in. Mix and match. हिंदी आप पूरी conversation हिंदी में करें but in English sentences को अपनी हिंदी के साथ merge करें. There is nobody here by that name. You must have dialed the wrong number. There is nobody by that name. यहाँ इस नाम से कोई नहीं रहता. You must have dialed the wrong number. आपने ज़रूर wrong number dial किया होगा. So you speak it in English, you know, with that attitude. I'm sorry, there is no one by that name. You must have dialed the wrong number. I'm sorry, I'm almost out of range. I cannot hear you. जब फ़ोन में networks ना हो, तब बोलें. I'm sorry, I'm almost out of range. I cannot hear you. Do you want to leave a long-lasting impression on the person you were talking to on phone? So don't forget to appreciate them. आप जब किसी को praise करते हो या thanks बोलते हो, then they feel so good about it. तो अगर आपने कोई information call करी है, तो आप caller को कहें, I appreciate your time. It was lovely talking to you. I appreciate your time मतलब मैं आपके time की value करता हूँ. I appreciate your time. It was lovely talking to you. Or you would say, all right, it was amazing talking to you. Thank you so much for all the information you provided. It was amazing talking to you. Thank you so much for all the information you provided.
All right, this is a wrap on this video. But before you leave, promise me, next time you answer any business call or any call, you will be using at least 3 sentences from what you have learned today. आपको फॉलो करनी है mix and match technique. Let 80% be Hindi or your native language, but do merge it so well with these English expressions. All the best.